हे गाइस, दिस सार्थक फ्रॉम ModxTech। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं AMD के प्रोसेसर्स के बारे में और इनकी जो नई Ryzen सीरीज के प्रोसेसर है इनके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको कौन से प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। देखो यार, आज की डेट में अगर कोई PC बिल्ड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो प्रोसेसर चूज करेगा वो करने वाला है यार AMD की तरफ से, क्योंकि भाई AMD करे इतना अच्छा काम रहा है। टीम रेड यार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसीलिए इस वीडियो की जो थीम रखी है वो भी यार रेडी रखी है, मतलब रेड टी शर्ट, रेड सब कुछ रेड है ना। तो भाई AMD के प्रोसेसर जो है आजकल लोग बाय कर रहे हैं, तो कौन से प्रोसेसर के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। और काफ़ी सारे प्रोसेसर आते हैं और इनकी कुछ तीन जनरेशन है, Ryzen की फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो आपके कौन से प्रोसेसर के साथ आपको जाना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसी PC रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है ऐसी PC रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो डेफिनेट करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हमारे मेन टॉपिक के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते काफी अच्छी वेबसाइट के बारे में, जो कि modxcomputer.com। अगर आप काफी सस्ते में प्रीबिल्ट PCs बाय करना चाहते हो गेमिंग, स्ट्रीमिंग या फिर एडिटिंग किसी भी पर्पस के लिए, तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर PC कंपोनेंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप खुद से PC बिल्ड करना चाहते हो और आप कंपोनेंट्स बाय करना चाहते हो कि प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर विंडोज 10 प्रो की OEM की या फिर रिटेल की भी मिल जाती है, तो वो भी आप जाके बाय कर सकते हो। तो इन सभी चीजों के लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप इन सभी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी प्रोसेसर आप लोगों को बताने वाला हूं, इनके अलावा भी कुछ प्रोसेसर और हैं AMD Ryzen सीरीज के अंदर, लेकिन वो अब इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप 2020 के अंदर PC बिल्ड करना चाहते हो तो आप इन सभी प्रोसेसर को कंसिडर कर सकते हो। और हर अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोसेसर के साथ आपको जाना चाहिए, किस केस के अंदर, मतलब अगर आपको गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तब आपको कौन से प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। और वो जितने भी प्रोसेसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं ना इस वीडियो के अंदर, उनके साथ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वो इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। और सबसे पहले हम सबसे सस्ते प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, फिर हम धीरे धीरे जो है प्राइस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब बढ़ते हमारे प्रोसेसर की तरफ, बात करते हैं हमारे सबसे सस्ते प्रोसेसर के बारे में, जो कि मैं आपको इस समय रिकमेंड करता हूं, वो है Ryzen 5 का 1600। ये इनकी फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। और ये प्रोसेसर आपको मात्र 8,500 रुपए का मिल जाएगा, यानी 8,500 रुपीज का। कमाल बात क्या है इस प्रोसेसर की, सिर्फ 8,500 रुपए में आपको मिलते हैं भाई 6 कोर 12 थ्रेड। तगड़ा प्रोसेसर है भाई, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। अगर गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। और आज की डेट के जितने भी गेम्स आ रहे हैं ना, वो भाई 6 कोर को सच में यूटिलाइज करते हैं। 4 कोर के ऊपर गेमिंग करने के जमाने भाई जा चुके हैं, 2 कोर के ऊपर गेमिंग करने के जमाने जा चुके हैं। अब भाई कम से कम 6 कोर का प्रोसेसर तो जरूर लेना चाहिए गेमिंग पर्पज के लिए। साथ ही साथ भाई 6 कोर 12 थ्रेड है, SMT एनेबल्ड है, यानी साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। तो इसके ऊपर भाई एडिटिंग भी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो अगर आप अच्छी खासी 1080p की फुटेज अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप वो भी इसके ऊपर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको बताई दिया भाई, गेमिंग तो आप इसके ऊपर कर ही सकते हो अगर काफी लिमिटेड बजट है तो। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोसेसर के बारे में, जो कि AMD का Ryzen 5 3500। अब ये जो प्रोसेसर है इनकी थर्ड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि 7 नैनोमीटर के ऊपर बनाया गया और ये एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि भाई सिर्फ 10,700 रुपए की इसकी प्राइस है, और जो हमें वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है वो बहुत ही ज्यादा इनसेन है। i5 के बराबर इसकी अब सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो चुकी है, मतलब जो AMD की जो थर्ड जनरेशन आई थी ना, उसकी जो अब सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो चुकी है वो इतनी ज्यादा बेटर हो चुकी है। IPC इतनी ज्यादा अच्छी कर चुका है AMD कि अब इंटेल के बराबर वो गेमिंग कराने लगे हैं, ठीक है। तो i5 9400F के बराबर आपको फ्रेम रेट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। काफी लोग कहेंगे कि भाई इस प्राइस में i5 9400F भी तो आता है, वो भी तो हम बाय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वैसे वीडियो बना रखी है, देखना चाहते हो तो भाई ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो देख लेना कि 3500 और i5 9400F में से आपको कौन सा लेना चाहिए। 3500 डेफिनेटली ज्यादा बेटर है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो। और इस प्रोसेसर के अंदर हमें मिल जाते हैं 6 कोर 6 थ्रेड, और इस प्रोसेसर के ऊपर आप बहुत आराम से गेमिंग कर सकते हो। स्ट्रीमिंग एडिटिंग में आपको क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि भाई इसके ऊपर जो है हमें साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग देखने को नहीं मिलती है। 6 कोर 12 थ्रेड, मतलब अगर मल्टी थ्रेडिंग मिल जाती है ना, तो हमारी जो है एडिटिंग परफॉर्मेंस, स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस ये बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। तो ये चीज हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। इसके अलावा
मतलब अगर इसी के आसपास का बजट है और अगर आप स्ट्रीमिंग और एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए Ryzen 5 का 2600 जो कि हमारा अगला प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है ये आप लोगों को लगभग 11,700 या फिर 11,500 रुपए के आसपास में मिल जाता है। काफी बढ़िया प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड मिल जाते हैं, AMD की सेकंड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब Ryzen की सेकंड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, Zen प्लस आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है, 12 नैनोमीटर के ऊपर बनाया गया है, 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं, काफी तगड़ा प्रोसेसर है। मतलब सिर्फ 11,500 रुपए के ऊपर ही हमें बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर देता है। अगर आपको एडिटिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, इन सभी पर्पस को ये फुलफिल कर देता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग करनी है और अगर आपका लगभग 11,000 रुपए के आसपास का बजट है तो आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि भाई जितने भी प्रोसेसर इस वीडियो के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूं सभी की लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप इनको डेफिनेटली और बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग किंग प्रोसेसर के बारे में कि मतलब किंग क्यों बोल रहा हूं भाई इस प्रोसेसर को, क्योंकि अगर आपकी जेब में 15,000 से लेके 16,000 रुपए है ना तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन बाय इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि आप बाय कर सकते हो इस समय, ये है भाई Ryzen 5 3600। कितना कमाल का प्रोसेसर है मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई एक तो AMD के थर्ड जनरेशन के ऊपर बेस है तो आपको पता है IPC कितनी ज्यादा अच्छी होगी, तो गेम्स के अंदर में फ्रेम रेट कितने ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताया था भाई 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं तो SMT इसके अंदर एनेबल्ड है, तो आप गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग ये तीनों ही काम इसके ऊपर बहुत आराम से कर सकते हो। काफी बढ़िया प्रोसेसर, अगर 15,000 से लेकर 16,000 रुपए का बजट है, एक CPU बाय करना चाहते हो तो आंख बंद करके इस प्रोसेसर को बाय कर लेना, क्योंकि भाई वैल्यू फॉर मनी जो आपको इस प्रोसेसर के साथ मिलने वाली है ना वो बहुत तगड़ी मिलने वाली है। और भाई 2019 के अंदर जितने भी PC बिल्ड्स हुए हैं ना मैक्सिमम उसके अंदर भाई इसी प्रोसेसर का यूज करा गया था अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो कि मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे को अब ढंग से नहीं याद। ठीक है, तो नॉर्मल जो कंज्यूमर PC बाय करते हैं ना तो उसके अंदर ये प्रोसेसर सबसे ज्यादा बिका था। तो ये बात भाई सबसे ज्यादा मतलब देख लो भाई कितना ज्यादा बिका है, कितना तगड़ा प्रोसेसर है। तो 15,000 से लेकर 16,000 का बजट है तो आंख बंद करो, इस प्रोसेसर को बाय कर लो। अब आपका बजट अगर थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 17,000 से लेकर 18,000 रुपए अगर आप स्पेंड करना चाहते हो और आपका जो मेन काम है वो एडिटिंग का ज्यादा है, मतलब अगर आप 3D वर्कलोड वगैरह करते हो, ठीक है, वीडियोस को एडिट करना चाहते हो, तो ऐसे से अगर आपको काम है तो भाई आपको जाना चाहिए Ryzen 7 2700 के साथ। लगभग इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 17,500 रुपीज के आसपास में, काफी तगड़ा प्रोसेसर है। मतलब अगर आपको गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग तो ये आपको करवा ही देगा, सेकंड जनरेशन के ऊपर बेस है तो फ्रेम रेट हमें ठीक ठाक अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ अगर आप साथ में स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, मतलब इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको इस प्राइस रेंज के आसपास में नहीं मिल सकता। अगर आपको एडिटिंग करना चाहते हो तो और स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो उस काम के अंदर भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और गेमिंग तो ये आपकी ठीक ठाक सी लेवल की करवाई देगा। वैसे अगर आप गेमिंग का काम थोड़ा ज़्यादा है, एडिटिंग का काम फिर भी थोड़ा कम है आपका, तो आप 3600 के साथ ही चले जाना, वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आपका एडिटिंग वाला काम ज़्यादा है तो आप जाना इस प्रोसेसर के साथ। अब आप कहते हो कि भाई मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे हैं, मैं और स्पेंड कर सकता हूँ यार एक प्रोसेसर के ऊपर, लेकिन मेरे को भाई थर्ड जनरेशन वाले बेनिफिट चाहिए। ठीक है कि भाई मेरे को थर्ड जनरेशन के अंदर जो IPC अच्छी होके मिली थी, हमें उस लेवल की गेमिंग भी हो जाए और मेरे को जो है स्ट्रीमिंग का भी काम है, एडिटिंग का भी काम बहुत ज़्यादा है, तो भाई आप जा सकते हो Ryzen 7 3700X के साथ। काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है, क्या वैल्यू फॉर मनी यार ये भी हमें ऑफर कर देता है। लगभग इसकी जो प्राइस है वो 27,000 रुपीज़ के आसपास में, लगभग 27,000 से 28,000 रुपये के आसपास में ये आपको मिल जाएगा। काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं, Ryzen की थर्ड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है यानी 7 नैनोमीटर के ऊपर ये बनाया गया है। काफी तगड़ा प्रोसेसर है, मतलब अगर आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग भाई कुछ भी करना चाहते हो आंख बंद करके इसको बाय कर लेना, अगर इतना बजट होल्ड करते हो तो एक प्रोसेसर को बाय करने के लिए। और इसी का एक थोड़ा सा बड़ा भैया आता है जो कि Ryzen का 3800, Ryzen 7 3800, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी बस फ्रीक्वेंसी में बढ़ा के दी गई है, बाय करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, लगभग 2-3 हज़ार रुपए से महंगा है, बट स्टिल फिर भी 3700X आपका काम चलवा देगा, 3800X तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अब आप कहते हो कि सार्थक भाई हमारा और बजट है, हम और स्पेंड कर सकते हैं, तो कौन सा प्रोसेसर लिया जाए, तो भाई आप ले सकते हो Ryzen 9 3900X। Ryzen की थर्ड जनरेशन के साथ में हमें Ryzen 9 की प्रोसेसर मिल चुके हैं और Ryzen 3900X काफी तगड़ा प्रोसेसर है, 12 कोर 24 थ्रेड मिलते हैं,
यस 12 कोर 24 थ्रेड। ये प्रोसेसर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका भाई प्रोफेशनल काइंड ऑफ वर्क है और वो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहना चाहते हैं, वो HDD प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं जाना चाहते और वो एक हाई कोर काउंट वाला प्रोसेसर चाहते हैं, मतलब वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं जिसके अंदर जो है हाई कोर काउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो भाई। ये काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, 43,500 रुपीस का प्रोसेसर है और मैं बता नहीं सकता भाई, अगर इसके अंदर वीडियो को रेंडर करने लगा दिया ना तो भाई कितनी जल्दी रेंडर होगी मैं तो भाई सोच भी नहीं सकता हूँ। बहुत तेजी से वीडियोस इसके अंदर रेंडर हो जाती है, 4K वीडियोस एडिट करना चाहते हो बहुत आराम से करवा देगा, तो प्रोफेशनल काइंड ऑफ वर्क अगर आप इसके ऊपर कुछ भी करना चाहते हो बहुत आराम से ये हैंडल कर लेगा, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके इसको बाय कर लेना। कहते हो कि भाई और भी ज्यादा बजट है, ज्यादा ही मोटी पार्टी हो तो जा सकते हो राइजन 9 3950X के साथ। अब ये जो प्रोसेसर है भाई क्या ही बताऊं, 16 कोर 32 थ्रेड मिलते हैं। आप कहते हो कि भाई मेरे को ठीक है, मेरे को दुनिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो भाई आप जा सकते हो इस प्रोसेसर के साथ में जो कि राइजन 9 3950X, 16 कोर 32 थ्रेड मिलते हैं, राइजन की थर्ड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। गेमिंग तो खैर इसके ऊपर कौन ही करेगा इसको खरीद के, बट स्टिल अगर करते हो बहुत चुम्मा गेमिंग इसके ऊपर होने वाली है। राइजन 9 की कोई सा भी ले लो, 3900X ले लो 3950X ले लो, दोनों के ऊपर गेमिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी आपकी। और मेन तो भाई ये एडिटिंग पर्पस के लिए ही है, प्रोडक्टिविटी वाला काम अगर करना है तो उन्हीं काम के लिए मेनली बनाया गया ये प्रोसेसर। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हो कि आपको अगर 2020 के अंदर पीसी बिल्ड करना है तो आपको कौन से प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। सभी की लिंक्स मिल जाएगी आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से जाके आप इन सभी प्रोसेसर्स को बाय कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।